तो फ्रेंड्स आज है सिमल का बर्थडे। ये हमारी बर्थडे कल घड़ी भी आज कल जो जिसपे इधर वो था वो मेरी बहन की बर्थडे थी और आज है मेरी। ये मेरी डोरा के लिए अभी हम लोग जो है ना प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये हम सेटिंग्स कर रहे हैं। ये देखिए अभी बस मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सा शेयर करूं। अभी बस हमने सेटिंग स्टार्ट की है। अभी डेकोरेशन जो है स्टार्ट करनी है। कब होती है सिमल की बर्थडे? मेरे बाबा ने कहा था कल बर्थडे करेंगे लेकिन मैंने को कहा मैं हाँ जी। तो फ्रेंड्स ये देखें ये सिमल की बर्थडे के लिए जो है ना हमने बलून्स लगाए। ये देखो मैंने अपनी मां को कहा था ये लगा लीजिए पंखे के ऊपर। हमने रस्सी बांधी फिर उसके छोटे बलून्स लगाए फिर बड़े फिर हमने ना फूल लगाया डाले फिर वो घूमते गए। अभी मुझे फ्रेंड्स ये सिमल की बर्थडे की जो डेकोरेशन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने जो है फैन के साथ लगाए हैं बलून्स और ये जो है सिमल की सारी चीज़ें सेट हो गई है। सिमल कैसा है? थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के बाद तो जो मियाँ साहब आ गए लेकिन वो इसका गिफ्ट नहीं लेके आए। बस फिर मैं उनके साथ गई एक शॉप पे, ये टॉयज़ वाली शॉप थी तो वहाँ पे कुछ डॉल्स भी देखी और भी चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें इनके पास हैं तो समझ नहीं आ रही थी क्या लिया जाए ना। तो मैं इनको डॉल कही थी, ये कह रहे थे नहीं। फिर एक जो है ना हमने एक बास्केटबॉल सेट इनके लिए ले लिया प्यारा सा, ज़रा डिफरेंट सा था वो। हम जो ना वहाँ से लेकर फिर हम घर आ गए और फिर हमने रास्ते में लेना था केक तो बस फिर हम लोग लुक गए लेयर्स पे क्योंकि लेयर्स का केक बच्चे खाते हैं उनको बस और तो कोई पसंद नहीं है। बस फिर हम केक शेक लेकर जो है ना घर पहुँचे और बच्चे भी जो है ना रेडी थे और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है ना सेलिब्रेशन करनी थी। तो फ्रेंड्स बस अब हम काटे लगे हैं सिमल का केक। ये सिमल का गिफ्ट है मामा बाबा की तरफ से और वो अनाया की तरफ से। सिमल आपको आपका गिफ्ट अच्छा लगा? मामा मैं खा रही हूं। अनाया सिमल की कज़न्स भी आई हुई हैं रहने के लिए तो उन्होंने भी सिमल को भी गिफ्ट दिया और अनाया को भी गिफ्ट दिया। तो अभी इंशाल्लाह ताला केक कट करने के बाद मैं ये सारे गिफ्ट्स ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिमल। दोनों की तस्वीरें उतारना जरा। सिमल से थैंक यू। थैंक यू बोलो। अनाया का तो बर्थडे भी नहीं है। फ्रेंडशिप डे। ओहो फ्रेंडशिप डे का ये। सिमल कैसा है केक? बहुत टेस्टी ना बताओ। सिमल की शक्ल का आलम चेक करें आप लोग। तो चलें जी अब सिमल खोलने लगी है अपने गिफ्ट। चलो सिमल आप अभी वेट करो। सिमल की एक्साइटमेंट चेक करें। मजे भाभी बात करके आओ दिखाओ। यहाँ रखे इसको जी मैं अब वो भी ओपन करें। वेट करें आप बेटे। ये कार्ड्स भी कार्ड्स मुझे दे दे मैं यहाँ रखूँ। जी मैं अपने जो है ना गिफ्ट्स ओपन कर रही हैं। वाह फ्रेंड्स ये खुलने रहा। चलें जी खोलने फिर। वाह इट्स पिलो। यस
दिखाए, इधर दिखाए। ये तो फ्रोजन पिलो आ गया जिमल के पास। एक मिनट वेट करें, मामा बाबा का गिफ्ट भी जिमल खोल लेना, फिर आप अपने खोलना। ये लो, ये आपा का गिफ्ट भी आप दिखा दो ना फ्रेंड्स को। ये क्या है? ये लेटर कॉम्बिनेशन किसने दिया ना जिमल को? ये आपा ने। और ये जिमल की फ्रेंड्स ने दिया। और ये किसने दिया? ये मेरी मामा ने, मामा बाबा ने। चलो अभी इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। वाओ, बास्केट बॉल, जिमल बॉल दिखाएं। ये जिमल की गेम है। चलो स्टिकर्स बाद में लगा लेंगे। जिमल जिमल हैप्पी, जिमल हैप्पी। अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो जी देखें आपा के गिफ्ट्स क्या हैं। चले जी, स्मॉल। पहले कौन सा ओपन करी हैं आप? स्मॉल। नाया तमीज से खोलो ना, को इतनी जल्दी है क्या नाया? वाओ, असली असली का। चलो जी, मामा को भी चाहिए थी ये पतीलियाँ। मामा ले ले, इधर मुकरे, इधर दिखाएं, इधर करके। अच्छा एक मिनट वेट करें। ये अब दूसरा ओपन करें। थैंक यू किया आपने पापी को। चले ओपन करें। चलो चेंज कर लो ना, चिली मिली वो ले ले और फ्रोजन आप ले लो। तो बस यहाँ पर हमने बस रिमल की छोटी सी सेलिब्रेशंस की थी उसकी बर्थडे की, कि वो खुश हो जाए। और बस बच्चों ने थोड़ा सा मिलकर इंजॉय कर लिया है, केक काट लिया और बलून्स के साथ खेल लिया, और हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली। मुझे इतनी खास डेकोरेशन करनी नहीं आती है, तो बस जितनी थोड़ी बहुत मैं कर सकी तो वो मैंने कर दी। कह रही थी फ़ैन के साथ जो है ना मुझे बलून्स लगा के दें जैसे एरोप्लेन होता है, बस वही मैंने थोड़ी सी एफर्ट की। और एंड पे ये हमारे जो बलून्स हैं सारे नीचे गिर गए थे जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, वो फिर मैंने पीछे बंच रख के इसको कहा कि चलो हम आपकी जो है ना पिक्चर्स ले लेते हैं। बहरहाल बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा लगता है कि वीडियोस बनाते हैं और व्लॉग्स डालते हैं ताकि लोग देखें, तो जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो सारी मेहनत जो है ना पूरी हो जाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।